गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, હું અજય ત્રિવેદી અને આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ગણિતમાં મિત્રો પ્રેક્ટિસ બુકના એક્ઝામ્પલ જોઈ રહ્યા છે। આજના આ ભાગમાં સ્વાધ્યાય 4.4 નો 5મા નંબરનો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ શીખીશું। તો મિત્રો જો અહીંયા રકમ આપણે કંઈક આવી આપી છે કે શું એવો લંબ ચોરસ, અહીંયા લંબ ચોરસ શબ્દ વપરાયો છે, शक्य छे जेमा लंबाई अने पौड़ाई नो गुणोत्तर 5:4 गुणोत्तर आपेलो छे 5:4 अने क्षेत्रफळ आपेलो छे 180 सेमी स्क्वायर होय। जो शक्य होय तो तेनी लंबाई अने पौड़ाई शोधवानी कीधी छे। तो मित्रों अहींया आपणे लंबाई अने पौड़ाई नो गुणोत्तर आपणे आपेलो छे। जो आपने एम कीधु के लंबाई पड़पोनी, तो मित्रों लंब चौरस नी, तो लंब चौरस नी लंबाई अने पहोड़ाई नो गुणोत्तर, पहोड़ाई नो गुणोत्तर आपने आपेलो छे, गुणोत्तर बराबर 5:4 आपेला छे। क्लियर। बीजू आ उपरांत आपणे बीजू शुं आप्युं छे, क्षेत्रफळ आपेलुं छे, तो ए पण नथी काढीए के लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ बराबर आपणे शुं आप्युं छे मित्रों 180 सेमी स्क्वेर आपणे आपेला छे। क्लियर। हवे जुओ मित्रों अहींया लंबाई अने पहोळाई आपी छे, एनो गुणोत्तर आपेलो छे, पण लंबाई अने पहोळाईनुं माप आपेलुं नथी। तो धारी लिए के धारो के लंब चौरस नी लंबाई अने पहोड़ाई नू माप बराबर x सेमी, सेमी होय तो सेमी लखवाना, मीटर होय तो मीटर लखवाना धारता। तो मित्रों शुं थाय, तो लंबाई बराबर केटली थाय, जुओ गुणोत्तर आपेलो छे, केटलो छे आ लंबाई, तो 5 × x एटले 5x सेमी थाय। पछी आपणने पहोळाई आपी छे, पहोळाई बराबर केटली आपी छे जुओ आ 4, तो 4 × x एटले 4x सेमी थाय। बरोबर। हवे एनु क्षेत्रफळ आपणे आपेलुं छे, शुं आपेलुं छे क्षेत्रफळ, तो आपणे अहींया लखी काढीए के लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ बराबर एनुं सूत्र आवे के लंबाई गुण्या पहोळाई, शुं थाय लंबाई गुण्या पहोळाई। तो हवे आपणे एनु क्षेत्रफळ आपेलुं छे, केटलुं आपेलुं छे मित्रो क्षेत्रफळ जुओ, अहींया 180 सेमी स्क्वेर आप्या छे, आ 180 लंबाई आपणी आवी छे 5x अने गुण्या पहोळाई आपणी छे 4x, तो आ 180 बराबर आ बेनो गुणाकार करो 5 × 4 एटले 5×4 = 20। हवे खास ध्यान राखजो x गुणे x એટલે કેટલા થાય, x સ્ક્વેર થાય। બરોબર। હવે મિત્રો આ 20 ગુણાકારમાં છે, આ બાજુ હવે તો ભાગાકારમાં જાય, તો 180/20 અને બરાબર x સ્ક્વેર, આ મિંડે મિંડે ઉડી ગયા 2, 9, 18, તો માટે x સ્ક્વેર બરાબર કેટલા આવ્યા 9, તો માટે આ વર્ગ કાઢી નાખો એટલે આ બાજુ શું થઈ જાય, વર્ગમૂળમાં 9 થાય, तो माटे अहींया x बराबर प्लस और माइनस 9 नु वर्गमूळ केटलु आवे 3 आवे, केटलु आवे 3, एटले एनो मतलब ए थाय के x बराबर शुं थशे मित्रो, लंबाई अने पहोळाई एक वखत प्लस लखीए एटले x बराबर 3 सेमी अथवा x बराबर माइनस 3 सेमी आवे। बरोबर। पण तमे जाणो छो के लंब चौरस नी लंबाई अने पहोळाई क्यारे माइनस मां होय नहीं, तो आपणे अहींया लखवू पड़े के x
इज नॉट इक्वल टू माइनस त्रण सेमी केम कारण के बाजुनु माप अहीं आपणे लखीए बाजुनु माप ऋण शक्य नथी बरोबर एटला माटे आ शक्य नथी तो केटला आवे तो एनो मतलब ए थयो के x बराबर केटला आवशे 3 सेमी शक्य छे तो अहीं लखीए माटे x बराबर 3 सेमी शक्य छे हवे एना ऊपरथी आपणे लंबचोरसनी लंबाई अने पहोळाईनुं माप शोधी काढीए तो जुओ मित्रो तो अहीं आपणे लखीए के लंबचोरसनी लंबाई बराबर हवे अहीं जुओ लंबाई केटली हती मित्रो 5x तो अहीं आपणे लखीए 5x सेमी तो बराबर शुं थाय 5 गुण्या x एटले 3 तो बराबर 5 3 केटला थाय 15 सेमी आवे बराबर ए ज रीते आपणे लंब चोरसनी पहोळाई शोधी काढीए तो लंब चोरसनी पहोळाई बराबर जुओ पहोळाई केटली छे मित्रो 4x सेमी छे तो आपणे अहींया लखीए 4x सेमी तो बराबर शुं थशे मित्रो 4 गुण्या x એટલે કેટલા મૂકવાના 3 તો માટે 4 તરી કેટલા થાય 12 સેમી બરોબર તો આ રીતે મિત્રો આપણે આ એક્ઝામ્પલ ગણી શકીએ અને લંબાઈ અને પહોળાઈ શોધી શકાય તો મિત્રો બોર્ડની એક્ઝામ માટે ખૂબ જ અગત્યનો એક્ઝામ્પલ છે તો બરોબર ધ્યાન રાખીને ગણજો નેક્સ્ટ વિડિયોમાં પાછા સ્વાધ્યાય 4 ના પ્રેક્ટિસ બુકના દાખલા સાથે ફરી મળીએ છીએ ત્યાં સુધી Good night, friends.